विश्व हिंदू महासंघ मध्य प्रदेश की टीम आज दिवंगतों के परिवार से जाकर मिली एवं मंदिर तोड़ने के विषय पर चर्चा में दिवंगतों के परिवारों ने बताया कि उन्होंने मंदिर तोड़ने का पुरजोर विरोध किया था। विश्व हिंदू महासंघ की टीम को बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद मंदिर को तोड़ा गया, जबकि न्यायालय के आदेश थे कि उसकी जांच होने के बाद ही कुछ उस पर कार्रवाई हो, लेकिन बगैर जांच करे उन्होंने मंदिर को तोड़कर मिट्टी का ढेर बना दिया, जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। जिन परिवारों के सदस्य बावड़ी में गिर जाने से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं परिवारों ने मंदिर तोड़ने का पुरजोर विरोध किया। विश्व हिंदू महासंघ दिवंगत परिवार की भावनाओं का ध्यान रखकर उनके मन की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उनसे आज मध्य प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ महामंडलेश्वर महंत राजनाथ योगी, महामंडलेश्वर विजय रामदास महाराज, महामंडलेश्वर दिनेश दास जी, धर्मेंद्र प्रजापत, अजय भट्ट, अंकित सोनी, सुमेर सिंह भदौरिया, पीयूष पुरोहित, प्रमोद महोदय, पवन चावड़ा, मालती कसेरा, जयश्री भिलवारे, मिथिलेश भारद्वाज, सोनू शर्मा एवं कई संत और महंत एवं समाज सेवी ने दिवंगत आत्मा को दीप लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 30 मार्च 2023 को इंदौर शहर में जो घटना घटी है, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत दुखद है। हम सभी संत महात्मा इस दशा से बड़े आघात हैं, बहुत समाज में बहुत दुख है और बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी हमारी समाज पूर्ति नहीं कर सकता है। जो 36 लोगों का आज परिवार गया है, उसकी पूर्ति हमारा समाज नहीं कर सकता है। उसके लिए हम बहुत ही दुखद हैं और बहुत ही हमको दुख है। आज ये घटना घट रही है कि मंदिर तोड़ने का जो मामला चल रहा है, ये सरकार का एक अभियान है और हिंदुओं के साथ ये बहुत छल और कपट की नीति चल रही है। चलो मस्जिद की बात तो, वो दरगाह की क्या बावड़ी की बात तो आज हुई है कि आज बावड़ी में घटना घटी है। तमाम इन मध्य प्रदेश के तमाम मंदिरों को तोड़ दिया गया, रातों रात उखाड़ दिया गया है और रातों रात मालूम ही नहीं पड़ा मूर्ति कहाँ से कहाँ बिठा दी गई है। यह एक सरकार का छल और कपट है, यह नीति है। क्या होता है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी यादगार में या छतरी बनाई दी जाती है या मंदिर बना दिया जाता है। मनुष्य का जीवन जन्मना मरना तो संसार में लगा ही हुआ है। आज जन्मा है तो कल उसकी मृत्यु निश्चित है, मगर हमारे परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता है। हम सब परमात्मा की एक आस्था और विश्वास के लिए मंदिर बनाते हैं और सरकार का ये बहुत बड़ा छल कपट मुख्यमंत्री जी का है। और हो सकता है इसके बीच में और कोई शरारती शक्तियाँ हैं जो इस प्रकार का मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रही है और मंदिरों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यह बहुत दुख है और निंदनीय विषय है। इसलिए उसको समानता का व्यवहार, समानता की नीति लागू करना चाहिए कि प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं, चाहे मंदिर में हो चाहे मस्जिद में बावड़ी हो, उसको खोला जाए ताकि प्रकृति का भी जो पानी आता है वो बावड़ियों में जाए और उससे पृथ्वी के अंदर जल जाएगा तो यह पृथ्वी संतुष्ट होगी। आज दुर्घटना घटी है क्योंकि वहाँ एक अधिक गर्मी का तापमान हो गया था। गर्मी के तापमान होने की वजह से यह दुर्घटना घटी है। वास्तव में इसमें कोई देवता का या देवी का कोई प्रकोप नहीं है, यह सरकार की अनदेखी है। और इस समय क्या है, लोगों की एक कहावत मेरी दृष्टि में, जमीन और कमीन इनकी कीमत ज़्यादा हो गई है। जमीन दिख रही है सरकार को, हर भूमाफिया वहाँ कब्जा कर रहा है। 40x40 की जगह मिल गई थी, 40x40 का प्लाट बहुत होता है, यह एक दमंग लोगों का कब्जा बन गया था। इसके बाद में ऐसी मीन की स्थिति होती है। आज आप जमीन जो दिख रही है इन पर भूमाफियों की नज़र है, अर्थात मेरी दृष्टि में वो कमीन लोग हैं। ठीक है, ऐसे भूमाफियों से बचने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और सरदर्शन विश्व खाड़ा परिषद इसमें पूरी पहल करेगा और पूरे भारत में इसके आंदोलन की चेतावनी दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। और हमारे बीच में लोक साधु संत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत विजय रामदास जी महाराज, रायनाथ जी महाराज और पूरे भारत के तमाम साधु संत बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रक्रिया है।